उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सभी को कानून हाथ में ना लेने की बात कहते हैं, लेकिन मेरठ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ साफ बयां कर रही है कि योगी ब्रिगेड यानी कि हिंदू युवा वाहिनी के लोगों पर योगी के निर्देशों का कोई असर ही नहीं है। घर में घुसकर जोड़े से बदसलूकी की ये तस्वीरें हैं मेरठ की, और इस जोड़े से सवाल जवाब करने वाले ये लोग हैं समाज के ठेकेदार बने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता। इन कार्यकर्ताओं को इस बात की खबर मिली थी कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को इस घर में लेकर आया है। फिर क्या था, नैतिकता के नाम पर योगी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने इस घर पर धावा बोल दिया और घर में घुसकर इस जोड़े को नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगे। युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पहले तो इस जोड़े के साथ बदसलूकी की, और इससे भी जब इनका मन नहीं भरा तो प्रेमी जोड़े को घसीटते हुए पुलिस थाने लेकर गए। संगठन के लोगों ने पुलिस पर दबाव भी डाला कि वो प्रेमी जोड़े और मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करे। इनका आरोप है कि यहाँ धर्म परिवर्तन की साजिश हो रही थी। युवा वाहिनी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को थाने में बैठा तो लिया और जैसे तैसे युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को थाने से रवाना किया। आपको बता दें कि युवा वाहिनी संगठन से प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी भी जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि समाज के इन कथित ठेकेदारों को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया, और वो भी तब जब CM योगी खुद ये कह चुके हैं कि कोई भी रोमियो स्क्वाड के नाम पर प्रेमी जोड़ों को परेशान नहीं करेगा। देखते रहिए DB Live।